मित्रों, जैसा आपने को पता है कि देश भर में नई एजुकेशन पॉलिसी, इसका एक डॉक्यूमेंट केंद्र सरकार ने जारी कर दिया हुआ है। उसके ऊपर सभी प्रदेश सरकारें कैसे काम करना है और क्या क्या अपने यहाँ परिवर्तन करने हैं, उसके ऊपर एक चिंतन बैठक लगातार शिक्षा विभाग की चल रही है। 2 दिन पहले भी विभाग के लोगों ने अपने लेवल पर मीटिंग की थी। आज जितने भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, उन सब लोगों ने जो कुछ चिंतन किया था उसके ऊपर एक रिव्यू मीटिंग आज रखी थी। और बहुत से परिवर्तन ऐसे नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो हो रहे हैं, उसके काफ़ी पहलू तो हमने पहले कर लिए हैं, कुछ और अभी निकट भविष्य में, कुछ शॉर्ट टर्म में, कुछ एक मिडल टर्म के नाते से, कुछ लॉन्ग टर्म के नाते से जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, हमें लगता है कि 2025 तक हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपने आप पूर्ण रूप से लागू कर देंगे। हालांकि देश भर में इसका टारगेट 2030 रखा गया, लेकिन हम 5 साल पहले ही इस पॉलिसी को लागू कर देंगे। और इसके अंदर यानी बचपन 3 साल से लेकर के और हायर एजुकेशन के लेवल तक एक बहुत ही समन्वय तरीके से और सारी एजुकेशन को किस प्रकार दिया जाए, ताकि एजुकेशन रोजगार परक बने, संस्कार क्षम बने, और एजुकेशन में रिसर्च के नाते से भी बहुत चीज़ें जोड़ी गई हैं, ताकि हर समय होने वाले जो युगांतकारी परिवर्तन होते हैं उनको शिक्षा क्षेत्र के अंदर कैसे कैसे जोड़ दिया जाए, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें की गई हैं। नए पहलू के नाते से अभी 2 यूनिवर्सिटीज़ में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और रोहतक यूनिवर्सिटी, उसके अंदर KG to PG ऐसी शिक्षा का प्रचलन करने के लिए भी हमने निर्णय लिया है। और जहाँ तक प्राइवेट एजुकेशन और सरकारी एजुकेशन है, मिल करके और इस प्रकार का एक एजुकेशन का सिलसिला आगे बढ़ाएं, ताकि शिक्षा क्षेत्र के हरियाणा का नाम आगे बढ़े और हरियाणा जो है शिक्षा का हब बन सके। इस प्रकार की सारी योजना हमारे जितने डिपार्टमेंट है वो सब, और हायर एजुकेशन काउंसिल जिसके चेयरमैन हमारे BK कुठियाला जी हैं, इन लोगों ने मिल करके इसके चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सारे प्रयत्न किए हैं। सामाजिक शिक्षा यूं कहें कि समाज के प्रति जिम्मेदारी की बात करें, या फिर हमारे देश पे केंद्रित शिक्षा नीति की बात करें, क्या फर्क देखते हैं? देखिए, बहुत से इसमें अंतर हैं। जैसे पहला तो जो यानी बिल्कुल प्रारंभिक जिसको कहना चाहिए अवस्था से 3 वर्ष के बाद ही स्कूल एजुकेशन के साथ बच्चों को जोड़ दिया जाए। पहले 5 वर्ष और 6 वर्ष के बाद जोड़ा जाता था, लेकिन अब 3 से 5 के जो अभी तक आंगनवाड़ी में बच्चे पढ़ते थे उनको भी स्कूल एजुकेशन के साथ जोड़ा जाए। और इसके लिए हमने अभी जो प्ले वे स्कूल्स, 4,000 प्ले वे स्कूल्स का जो घोषणा की थी, 1,000 प्ले वे स्कूल तो बन चुके हैं, इसको इस वर्ष 1,000 स्कूलों को चालू करेंगे, आगे फिर 4,000 का टारगेट हम पूरा करेंगे। और आगे चल करके इसका हर शिक्षा क्षेत्र के अंदर कोर्सेज का कैसे समन्वय हो, अभी तक डिवाइडेड एक जो सिस्टम चलता था कि टेक्निकल एजुकेशन अलग है तो साइंस एजुकेशन अलग है तो IT के जो अलग है, अब शिक्षा चाहे कॉलेज है चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं, समन्वय करके शिक्षा के मल्टीपल जो कोर्सेज हैं उनको एक साथ जोड़ करके किया जाए, एक एक सब्जेक्ट की बजाय मल्टीपल जो सब्जेक्ट्स हैं, ताकि मनुष्य का ओवरऑल विकास होना चाहिए। वरना किसी एक फील्ड में जब नौजवान पढ़ाई करके और उस दिशा में चल पड़ता है तो उसको दूसरे विषयों का ज्ञान नहीं होता है। अभी मान लो कोई आर्ट्स पढ़ने लग गया तो आर्ट्स में जा करके MA कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अभी कभी भी बीच में इस प्रकार के सिस्टम बनाए गए हैं कि आर्ट्स से साइंस में जाना हो, साइंस में आर्ट्स में जाना हो, इंजीनियरिंग करना हो, या बीच में कहीं परिवर्तन करके लॉ करना है, तो ऐसे एक मल्टीपल साइड्स में व्यक्ति का विकास हो सकता है, ताकि उसको समय समय पर आवश्यकता के हिसाब से अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए वो शिक्षा को शिक्षा क्षेत्र में बदल करके जा सकता है। देखिए, ये विषय चौके प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, इसके ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं है कि कहाँ के मंत्री कम किए, कहाँ के मंत्री ज़्यादा किए। आखिर तो सारे देश भर से उनको लोकसभा के हिसाब से मंत्रिपरिषद बनाना होता है, उसमें पहले मानो 3 मंत्री थे तो आज अगर 2 हैं, बाद में हम ये भी कह सकते हैं कि श्री भूपेंद्र यादव वो भी ले दे करके रहने वाले तो हरियाणा के ही हैं, भले वो
भले वो राज्यसभा से, वो राजस्थान से बने होंगे, लेकिन हरियाणा के ही निवासी हैं, तो उस नाते से तीन के तीन हो जाते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। फिर भी सारा देश अपना है और देश के ही मेंबर पार्लियामेंट्स में से भारतीय जनता पार्टी या जो हमारी सहयोगी दल हैं उनसे मिल करके मंत्री को बनाया है, और मैं समझता हूँ कि जो निर्णय उन्होंने किया कि बहुत अच्छा, यंग टीम आई है, कुछ बड़ी आयु की बजाय यंग लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, एवरेज एज को भी कम किया है। देखिए ये रणनीति के विषय होते हैं और रणनीति के विषय बताए नहीं जाते हैं, जब हो जाते हैं तो पता लगते हैं। धन्यवाद। देखिए हम, ये तो कंपटीशन का विषय है। प्राइवेट स्कूल हैं वो अपने ढंग से शिक्षा क्षेत्र में अच्छा कुछ करते हैं, सरकारी स्कूल अपने ढंग से अच्छा करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमने 3 से 5 में जो स्कूल बनाए हैं, प्ले वे स्कूल, ये भी अपना एक नया आयाम है। ऐसे ही साथ में संस्कृति मॉडल स्कूल, वो प्राइमरी स्कूल के अलग से, हायर सेकेंडरी के अलग से, ये भी एक नया आयाम है। प्राइवेट स्कूलों की तरह एजुकेशन के स्तर को कैसे अच्छा किया जाए, इसके लिए हमने जो रेजिडेंशियल स्कूल बनाए हैं, इसके अंदर हम साइंस जो है ज़्यादा स्कूलों के अंदर खोल रहे हैं। अभी तक साइंस के ऊपर उतना आकर्षण जितना होना चाहिए था वो नहीं था, लेकिन अब हर एक जो 1100, 1418 हमारे क्लस्टर्स हैं, उन क्लस्टर्स में एक क्लस्टर में एक साइंस का स्कूल ज़रूर हो, ऐसी हमने योजना बनाई है। तो शिक्षा के स्तर को कैसे ऊंचा किया जाए, उसकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, अब सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों से ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। बल्कि अगर ये कहूँ तो पिछले वर्ष में, चाहे वो कोविड कारण रहा चाहे कोई भी कारण रहा, इस बार के जो एडमिशन हो रहे हैं सरकारी स्कूलों में, हमारे कितने लाख ज़्यादा हो गए, 1,60,000 जो बच्चे हैं वो इस बार सरकारी स्कूलों में, जो प्राइवेट स्कूलों को छोड़ करके आए हैं। आखिर कोई आकर्षण उनको ध्यान में आया तभी वो आए होंगे, और सरकारी स्कूलों में बच्चे बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।